हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल SCS Educations में। तो अभी हम लोग देखेंगे आपके सेंटअप एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो में ISC, ICOM और IO तीनों के लिए है और तीनों के हिंदी में यही क्वेश्चन पूछेंगे। तो तीनों स्टूडेंट जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये सेम टू सेम आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। अगर आपकी एग्जाम हो चुकी है तो आप लोग अपना आंसर मिला लेंगे, अगर आपकी एग्जाम नहीं हुई है तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आपको टोटल जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। लेकिन हम लोग टोटल इस वीडियो में 60 क्वेश्चन देखेंगे और आपको इसका PDF भी दिया जाएगा। PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का जो है आप आंसर को नोट्स करते जाएंगे नंबर देख के, ताकि जब आप PDF ले तो उस क्वेश्चन को मिला के आप अपना आंसर लिख सकें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमका है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक इसमें से हमारा कौन सा है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सिपाही की माँ। और टोटल क्वेश्चन का आपको 100% सही आंसर दी गई है, तो आप लोग अपने अपना एग्जाम में यही टिकअप करेंगे ताकि आप लोग अच्छे नंबर को गेन कर सके। सेकेंड में क्वेश्चन आपका है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो इसका 2 का जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा प्रथम विश्व युद्ध। अब अपने थर्ड में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, थर्ड में क्वेश्चन हमारा है अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। तो थर्ड का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर निबंध। अब फोर्थ में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, जूठन किस विद्या की रचना है। तो जूठन हमारा किस विद्या का रचना है, तो इसका सही हो जाएगा हमारा आत्मकथा। अब अपने फाइव में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, फाइव में क्वेश्चन आपका है तिरछी कहानी के कहानीकार कौन है। तो फाइव का सही आंसर हो जाएगा हमारा उदय प्रकाश। तिरछी कहानी के कहानीकार कौन है, उदय प्रकाश। अगर आपके एग्जाम कल होने वाली है तो आप लोग नोट्स करते चल जाएंगे, आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की आंसर दी जाएगी। तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिए एक एक क्वेश्चन का आंसर को। अब सिक्स में क्वेश्चन क्या बढ़ता है, सिक्स में क्वेश्चन आपका है सूर सागर के रचयिता कौन है। तो सूर सागर के रचयिता सूरदास हैं। अपने सेवन में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, पुत्र वियोग कविता के रचयिता कौन है। तो आप लोग जानते होंगे पुत्र वियोग कविता के रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अपने नाइन में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, नाइन में क्वेश्चन आपका है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वह क्या है। तो इसका सही आंसर हमारा ललित निबंध। अब अपने नाइन नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, नाइन नंबर क्वेश्चन आपका है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता इनमें से कौन सा है। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है, तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर उषा। अब अपने टेन नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर मलयज। अब 11 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं, 11 में क्वेश्चन आपका है प्रगति और समाज साहित्य किस विद्या की रचना है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर आलोचनात्मक निबंध। उसने कहा था का रचना किस वर्ष हुई थी, उसने कहा था कि रचना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर 1915। अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन आपका है प्रगति और समाज के लेखक कौन है। तो प्रगति और समाज के लेखक कौन है, रामवार सिंह। दिगंबर का संधि विशेष क्या होगा, तो दिगंबर का संधि विशेष आप लोग जानते होंगे दिग्जोर अंबर। अब अपने 15 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 15 में क्वेश्चन हमारा अंश का अर्थ क्या होता है। तो अंश का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हमारा हिस्सा। तो आप लोग जनरली भाषा में भी यूज करते हैं, तो अंश का मतलब क्या हो जाता है, हिस्सा। अब 16 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, 16 में क्वेश्चन का है आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आस्तीन का साफ होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर कपटी मृत। अब अपने 17 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, गड़े मुर्दे को खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पिछली बातें को याद करना, 17 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब 18 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 18 में क्वेश्चन आपका है बड़वे रामायण की रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर तुलसीदास। बड़वे रामायण की रचयिता कौन है, तुलसीदास। अब 19 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर रघुवीर सहाय। अब 20 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, 20 में क्वेश्चन आपका है भूषण किस काल के कवि हैं। तो भूषण हमारे किस काल के कवि हैं, तो भूषण हमारे रीति काल के कवि हैं। अब 21 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर गांव का घर। अब 22 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, 22 में क्वेश्चन आपका है जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर छायावाद के। जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे, तो छायावाद के कवि थे। अब 23 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है। पुत्र वियोग जो है ये किस प्रकार की कविता है, तो पुत्र वियोग एक प्रकार का हमारा शोक गीत है। अब 24 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं,
उषा कविता के कवि कौन है, उषा कविता के कवि कौन है, तो इसका सही हो जाएगा हमारा ए नंबर शमशेर बहादुर सिंह। अब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है अकाल शब्द का विलोम क्या होगा, तो अकाल शब्द का विलोम हमारे इसमें से क्या हो जाएगा, तो सुकाल। 25 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 26 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 26 में क्वेश्चन आपका है पूजा शब्द का विशेषण कौन सा है, तो 26 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा पूज्य। पूजा शब्द का हमारा विशेषण क्या है, तो पूज्य है। अब 27 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 27 में क्वेश्चन आपका है तलवार शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो तलवार शब्द का पर्यायवाची क्या है, करवाल। अब 28 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 28 में क्वेश्चन आपका है ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 28 का सी नंबर। अब 29 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 29 में क्वेश्चन आपका है नूतन शब्द का विलोम क्या होगा, तो नूतन शब्द का विलोम होगा पुरातन। अब 13 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 13 में क्वेश्चन आपका है कीर्ति शब्द का विलोम क्या होगा, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, अब कीर्ति। अब 31 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अर्णीय शब्द का पर्यायवाची है, अर्णीय शब्द का पर्यायवाची कौन से है, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर विपिन। अब 32 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आप शब्द जो है ये हमारा किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप शब्द हमारा एक प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है। 32 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब 33 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 33 में क्वेश्चन आपका चराचर का संधि विच्छेद है, तो चराचर का संधि विच्छेद में से हमारा कौन सा है, तो चर जोर अचर। अब 34 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 में क्वेश्चन आपका है परमोजस्वी का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो परमोजस्वी का संधि विच्छेद परम जोर ओजस्वी होगा। अब 35 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अन्वेषण कौन सा संधि है, तो अन्वेषण हमारा किस प्रकार का संधि है, तो ये हमारा एक प्रकार का यन संधि है। अब 36 में क्वेश्चन की बात है गजानन कौन सा समास है, गजानन हमारा कौन सा समास है, तो गजानन हमारा बहुविधि समास है। अब 37 में क्वेश्चन की बात है यज्ञशाला कौन सा समास है, यज्ञशाला कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास है। यज्ञशाला कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। अब 38 में क्वेश्चन की बात है। 38 में क्वेश्चन आपका है रात दिन कौन सा समास है, तो रात दिन जो है ये एक प्रकार का हमारा द्विन समास है। किस प्रकार का समास है, द्विन समास है। अब 39 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 में क्वेश्चन आपका है इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है, इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है, तो इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो समाप्त होना। 39 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 14 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ए नंबर खुशामद करना। अब 41 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 में क्वेश्चन आपका है ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है, जोर से कहना। मतलब आप लोग जनरली भाषा में कहते हैं, अगर किसी कोई बात बोलते हैं तो कहते हैं ढोल मत पीतो, तो इसका मतलब क्या हो गया, जोर से मत बोलो कि दूसरे आदमी नहीं जान सके। अब 42 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। चक्रपाणि हमारा कौन सा समास है, तो चक्रपाणि हमारा कौन सा समास है, तो बहुविधि समास है। कौन सा समास है, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। कमल नयन कौन सा समास है, तो कमल नयन हमारा कर्मधारय समास है, इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब 44 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 44 में क्वेश्चन हमारा है प्रेम निगमन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अधिकरण। अब 45 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपका जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर जगज्जोतनाथ, ये हमारा जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। अब 46 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 46 में क्वेश्चन आपका है जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगदीश का संधि विच्छेद हमारा जगत जोर ईश होगा। 46 का हमारा सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब 47 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 47 में क्वेश्चन आपका है पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवित्र का संधि विच्छेद हमारा पोजोर इत्र होगा, ये पवित्र का हमारा संधि विच्छेद है। अब 48 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 48 में क्वेश्चन आपका है उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद हमारा क्या होता है, उत्र जोर श्वास, ये हमारा उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा। 48 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो गया। अब 49 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। वाण्मय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, वाक जोर मय। अब 50 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 50 में क्वेश्चन आपका है उत्कर्ष का विलोम है, उत्कर्ष का विलोम हमारा क्या होता है, तो अपकर्ष, इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपका है नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, मतलब कि संधि विच्छेद से आप लोगों को बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 51 का सही आंसर हमारा नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 51 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, नेजोर आयन अन, नेजोर अन जो है ये हमारा नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। पुत्र का पर्यायवाची क्या है, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बेटा, पुत्र का पर्यायवाची क्या है, बेटा। अब 53 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। पत्थर का पर्यायवाची है, पत्थर का पर्यायवाची इसमें से हमारा कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पाषाण, ये हमारा पत्थर का पर्यायवाची है।
अब 54 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 54 में क्वेश्चन आपका है नर का विप्रार्थक है, नर का विप्रार्थक हमारा क्या होगा, तो 54 का डी नंबर हो जाएगा नारी, नर का विप्रार्थक क्या है नारी। अब 55 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, 55 में क्वेश्चन हमारा है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वो हमारा क्या कहलाता है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा हमारा विदुर, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वो क्या कहलाता है विदुर, तो 55 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब 56 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ध्यान देना, 56 का सही आंसर क्या होगा सी नंबर, कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ध्यान देना, आप लोग अगर किसी को बात करते हुए अगर कोई सुन रहा था आप देख बोलते हैं एक दूसरे को कि देखिए वो हमारे बात को कान दे रहा है, मतलब वो भी हमारे बातों को ध्यान से सुन रहा है। अब आते हैं 57 में क्वेश्चन पे, हृदय का विशेषण है, तो हृदय का विशेषण क्या है, तो 57 का हमारा बी नंबर हो जाएगा हार्दिक, हृदय का विशेषण क्या है हमारा, तो हृदय का विशेषण हमारा हार्दिक है, 57 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 58 में क्वेश्चन किए बढ़ते हैं, 58 में क्वेश्चन आपका है महाशय का संधि विच्छेद है, महाशय का संधि विच्छेद हमारा कौन सा है, ए में ऑप्शन हमारा महाज और आशय, बी में ऑप्शन हमारा महाज और से, सी में ऑप्शन है महाज और आशय और डी में ऑप्शन है महाज और ओ से, तो महाशय का हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 58 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा महाज और आशय। अब 59 में क्वेश्चन किए बढ़ते हैं, बैठक में कौन सा पढ़ते हैं, बैठक में हमारा कौन सा पढ़ते हैं, तो बैठक में हमारा अक पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं अक पढ़ते हैं। अब 16 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, लंबोदर हमारा कौन सा समास है, 16 में क्वेश्चन हमारा क्या है लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर हमारा कौन सा समास है, तो बहुवीरी समास है, 60 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा बहुवीरी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव पर, तो सब्जेक्टिव में देखिए आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला आपको है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, राष्ट्रीय एकता, दुर्गा पूजा, आतंकवाद, वन संरक्षण और पर्यावरण, और चौथा हमारा है मोबाइल का महत्व, इसमें से किसी एक पर जो है आपको निबंध लिखना है, तो मेरे द्वारा से आपको इसमें से किसी एक पर निबंध बताया जाएगा, कैसे बताया जाएगा क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा हो जाती और आप लोगों को लिखने में भी दिक्कत होती, तो इसके लिए हमारे चैनल के द्वारा आपको सुविधा दी गई है पीडीएफ की, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो आपको इसका पीडीएफ के रूप में प्रदान होगा, तो पीडीएफ के रूप में कैसे प्रदान होगा ये आप लोग अंत तक बने आपको बताया जाएगा, तो यहाँ इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया जाएगा ताकि आपका ये क्वेश्चन बन जाए और आप लोग 8 नंबर को गेन कर सके। सेकेंड में क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित दो अवतरणों के सप्रसंग व्याख्या करें, इनमें से कोई एक अवतरण का जो है आपको जो है किसी में दो अवतरण दिया गया है इनमें से इसका हम लोग दे सकते हैं या इसका दे दीजिए, अगर आप लोग जानते हो तो आप लोग खुद से कर लीजिए नहीं तो हमारे चैनल के द्वारा आपको दिया जाएगा, इनमें से किसी आपको दो अवतरण एक एक क में कक में किसी का एक का दे दीजिए चाहे आप लोग इसका दे दीजिए, हमारे चैनल के द्वारा आपको शुरुआत का आंसर ज़्यादा दिया जाएगा, इसका दिया जाएगा और इसका दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को नंबर पूरा मिले। अब आते हैं थर्ड में क्वेश्चन पर, थर्ड में क्वेश्चन है अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिन्हें अपने जीवन लक्षण के बारे में जानकारी दे, या अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिका उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखे, तो हमारे चैनल के द्वारा आपको इसका भी आंसर दिया जाएगा इसका भी आंसर दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के भी प्रिपरेशन इसी तरह से कर सकें, क्योंकि इस दोनों टाइप का अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो बोर्ड में भी इसका आपको नंबर क्लियर हो जाएगा 5 नंबर। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न, चौथा नंबर है आपका इनमें से किसी 5 को क्वेश्चन का आंसर देना है, तो लहना सिंह कौन था, तिरछी के वर्णित शहरी चित्रण का से आप क्या सहमत है, शिवाजी की तुलना भूषण दीर्घराज से क्यों की गई है, इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा, टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में आपको टोटल किसी 5 क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में मिलेगा। पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, तो पीडीएफ के लिए आपको करना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए वहाँ हमारा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का भी ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आपको जिसमें सुविधा हो, टेलीग्राम पर यह सुविधा होगा कि टेलीग्राम पर आपको मैसेज नहीं करना पड़ेगा और वहाँ ऑलरेडी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक दिया गया है और आपको वहाँ पीडीएफ दिख जाएगा, क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिल जाएगा और आंसर का भी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग टेलीग्राम आपके मोबाइल में नहीं है, व्हाट्सएप आपके मोबाइल में है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं कर सकते तो ये हमारा नंबर रहा, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके वो पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि सर हम ग्रुप से ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट ग्रुप से नहीं ज्वाइन होते हैं वो मेरे इस नंबर पर मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं।
यहाँ भी आपको किन्हीं तीन क्वेश्चन का आंसर देना देना पड़ेगा, तो किन्हीं तीन क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया जाएगा। और ये जो आपका अपच्छेद है इसका आपको अपच्छेद करना है, मतलब किसी को संक्षेप में लिखना है, तो इसका भी PDF आप लोगों को दिया जाएगा। तो इनमें से किसी को अपच्छेद करके आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे किसी लिंक पर जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, चाहे हमारे व्हाट्सएप लिंक से ज्वाइन हो जाइए, किसी से भी ज्वाइन हो जाए इसका PDF ले लीजिए। तो मतलब कि आपको हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से ज्वाइन होना तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक होना है व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको इसका क्वेश्चन का PDF साथ में इसका आंसर का भी PDF आपको दे दिया जाएगा। और लेकिन ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है आप लोग यहीं से टिकअप करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको वहाँ नहीं दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपके एग्जाम दोस्तों के एग्जाम नहीं हुए तो उससे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे नंबरों को गेन कर सके। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग क्लास 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के द्वारा उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।